नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष शर्मा। आरबीआई की तरफ से एक बैंक पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ये खबर बहुत खास है उन लोगों के लिए जिनका इस बैंक में खाता है और साथ ही जिन्होंने इस बैंक के शेयर खरीदे हुए हैं। तो ये खबर है क्या, किस बैंक से जुड़ी हुई है, इसके हर एक पहलू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे क्या है जानकारी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। दरअसल क्या है कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर, जो इसकी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप है, बीओबी वर्ल्ड नाम की ये ऐप है, इस पर साफ तौर पर एक बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन क्या लिया है आरबीआई का, साफ तौर पर कहना है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ये ऐप है बीओबी वर्ल्ड, वो नए रजिस्ट्रेशन पर जो नए ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है उस पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब ऐप के जरिए नए ग्राहक ये नहीं जोड़ पाएगा बैंक, इस पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। आरबीआई का साफ तौर पे कहना है कि जो बैंक के नियम है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सेक्शन 35A 1949 के तहत, ये साफ तौर पे अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से बैंक ऑफ बड़ौदा को ये निर्देश दिए जाते हैं कि जो उनकी ऐप है उस पर वो नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते, रजिस्ट्रेशन को साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। ये मामला आरबीआई की तरफ से बताया साफ तौर पर निकल के आया है। अब सवाल उठता है कि भाई आरबीआई ने इतना बड़ा एक्शन लिया क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, तो इसके पीछे की वजह भी हम आपको बता देते हैं। तो आरबीआई का साफ तौर पर कहना है कि लगातार उनके पास इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ये ऐप है वो रजिस्ट्रेशन नंबर्स को बढ़ाने के लिए लोगों की जो जानकारी थी उसमें इस तरह की कमी पेशी देखी जाती, डाटा को लेकर जानकारियां जो एक नियम होते हैं उसको ताक पे रखा गया, इसके साथ ही जो है नंबर्स को बढ़ाने के लिए अननोन लोगों के भी इसमें रजिस्ट्रेशन किए गए जिनके बारे में प्रॉपर जानकारियां थी भी नहीं। इसके ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रतिक्रिया आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है, हमने जो भी आरबीआई के जरिए जो भी नियम होते हैं हमने उनका पालन किया है, जो भी ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन के जो नियम होते हैं हमने किसी के भी तरीके के कोई डाटा ब्रीच या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को बढ़ाने के लिए कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया है, ये उनका साफ तौर पर कहना है। यहाँ पर आरबीआई का साफ तौर पर कहना है कि हमने पहले भी बैंक ऑफ बड़ौदा को इस तरह की जानकारी दी थी कि वो समय पर इस मामले पर कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है जिसके बाद इस तरीके का फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के जो शेयर है उस पर इस कार्रवाई का असर पड़ता है नहीं पड़ता है, हम लोग लगातार शो करते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है कि आरबीआई की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऐप है बीओबी वर्ल्ड पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर अब नए ग्राहक जोड़ने के लिए वहां पर रोक लगा दी गई है। तो कैसी लगी खबर आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस स्टूडियो बाजार।